फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप में से जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे गार्डन को और स्पेशली मेरे कैट्स को मिस कर रहे थे, तो मैंने अपने फैमिली के लोगों को बोला था कि मेरे कैट्स का एक वीडियो बना के मुझे भेजे ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत फ्रेंड्स मेरे कैट्स को बहुत पसंद करते हैं और मेरा गार्डन का भी एक झलक देख सकते हैं। तो ये देखिए गार्डन का ये वाला साइड जिस पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लगाया था सर्दी के टाइम में, अभी ख़त्म हो गया है तो इसलिए पूरा साफ़ सफाई कर दिया है। अभी जो सामर का वेजिटेबल वगैरह लगाना होगा उससे पहले अभी थोड़ा खाली किया है ताकि साफ़ सफाई हो जाए, थोड़ा बरसात होगा उसके बाद वेजिटेबल्स लगाने में अच्छा होगा। तो देखिए पैची यहाँ पर अच्छा से एवरीडे वो यहाँ पर एंजॉय करता है। अराउंड सुबह 8 o'clock वो आ जाता है, तो सर्दी के टाइम पे वो इधर नहीं बैठता है, वो जो ब्रिक है उसके ऊपर बैठता है, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है तो इसीलिए यहाँ पर मिट्टी में अपना धूप सेकते सेकते ये लोग एंजॉय करते हैं। और ये जो 3 छोटा छोटा बेबीज़ मैंने दिखाया था बहुत दिन पहले, वो अभी बड़े हो गए हैं और जो कैमरा के तरफ तो देखते हैं ये लोग, क्योंकि वीडियो करना इनको बहुत पसंद है। तो ये देखिए गार्डन का ये वाला हिस्सा तो आप देखते हैं जैसे आपने लास्ट देखा था वैसा ही है। तो और ये वाला जो ज़मीन है यहाँ पर कुछ ब्लीडिंग हार्ट्स वगैरह देख पा रहे हैं। और बाकी ये देखिए ये रेड पांडा का प्लांट है और मैक्सिमम इस साइड में ये जो कैट जिधर किटन जहाँ खेल रहा है इधर भी कुछ सब्जी वगैरह होता है, इसलिए यहाँ पर ग्राउंड पर कुछ नहीं है। और बैक साइड में ये जो बैक यार्ड है यहाँ पर एक बड़ा सा नीम का ट्री है और यहाँ पर देखिए पैची उसके ऊपर चढ़ के एक्सरसाइज करता रहता है, पैची और उसके पीछे बच्चे ये तीनों बच्चे। तो पैची इन लोगों को क्या करता है, कुछ एक्सरसाइज का ट्रेनिंग देता है जितना आता है पैची को, हालांकि उतना आता नहीं है क्योंकि पैची बहुत लेजी कैट है। तो ये देखिए बैकयार्ड, यहाँ पर भी सिर्फ सब्जी हम लोग लगाते हैं, मंकीस के झमेला से उतना सब्जी होता नहीं है, लेकिन जितना होता है पिछले विंटर में हम लोगों ने बहुत अच्छा घर का सब्जी एंजॉय किया था। तो अभी इस सीज़न में उतना कुछ होता नहीं है, थोड़ा एक बार बरसात हो जाए उसके बाद मेरे फैमिली के लोग जो गर्मी का सब्जी है उसका सीडलिंग करेंगे। तो इस साइड थोड़ा नीम के छाव के वजह से धूप छाव बना रहता है और वाल का भी छाव होता है थोड़ा। और ये देखिए पैची को देखिए कितना ये थोड़ा बहुत ड्रामा करता रहता है। तो इसलिए आप लोग अगर मेरे गार्डन और मेरे कैट्स को मिस कर रहे थे, आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा और मैं थोड़ा गार्डन का भी आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए। गार्डन में बहुत चेंजेस तो नहीं हुआ है, थोड़ा प्लांट्स थोड़ा पहले से कम हुआ है क्योंकि जैसे मैंने बोला था क्योंकि मैंने 50% प्लांट्स डिस्कार्ड कर दिया है, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट्स ही रखा है। और बहुत प्लांट्स मैं आने से पहले मैंने ज़मीन पर शिफ्ट कर दिया था, जैसे ज़मीन पर जब प्लांट्स रहता है कुछ उतना देखभाल करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा ब्लीडिंग हार्ट्स कितना अच्छा होता है ज़मीन पे, ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्लांट्स को ज़मीन पे दे दिया है। वो कितना बड़ा है उसका तो एक अपडेट दूंगी, उससे पहले थोड़ा गार्डन का और थोड़ा फ्लावर्स का एक झलक देख लीजिए ताकि मेरे गार्डन से आप लाइक ना आपको आप भूले मत मेरा गार्डन। और भी जो जो अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको पैची भी बहुत पसंद आया और मेरे गार्डन का एक झलक भी अच्छा लगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा और जो भी गार्डन में अपडेट होता है वो भी मैं दूंगी। और यहाँ पर वियतनाम में भी अगर मैं कुछ प्लान्स वगैरह लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है, मैं भी शायद एक नर्सरी जाऊँगी, जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।